हेलो गाइज, मैं हूं महेश। आप देख रहे हैं सिस्टेक बनाओ। फिर से एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में रिव्यू करेंगे बोट स्टोन 1200F ब्लूटूथ स्पीकर का। ये एक रिटेल यूनिट है, मैंने खुद से परचेज किया है, किसी ब्रांड ने हमको नहीं भेजा। तो इस वीडियो के अंदर इस डिवाइस का एक ऑनेस्ट रिव्यू मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। और इस स्पीकर को रिव्यू करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप लोगों के बहुत सारे कॉमेंट्स मैंने पढ़े थे अपने लास्ट वीडियो पर, जहाँ हमने बोट स्टोन 1200 का एक डिटेल रिव्यू किया था। और उस वीडियो के ऊपर आपने बहुत सारा प्यार दिखाया, तो उसके लिए आपको दिल से थैंक यू। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखो यार, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फटाफट से अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं और इस डिवाइस का रिव्यू करते हैं कि इस बार आपको इस स्पीकर में क्या कुछ खास देखने को मिलता है। तो लेट्स बिगिन। तो गाइस, ये है इस डिवाइस का बॉक्स पैकेजिंग, जो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी भारी है। फ्रंट में बोट 1200F की ब्रांडिंग दी गई है और काफ़ी सारे स्पेक्स आपको देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में आगे बात करेंगे। अब इस 1200F मॉडल और पहले वाले 1200 मॉडल, एक सेकंड, बहुत सारे लोगों को एक डाउट था कि ये जो डिवाइस है इसमें और 1200F जो स्पीकर था, दोनों के अंदर क्या कोई डिफरेंस है, और अगर डिफरेंस है तो क्या है। तो लिटरली गाइस, दोनों डिवाइस के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। हाँ, एक छोटा सा डिफरेंस है जिसके बारे में आगे वीडियो के अंदर बात करेंगे, और उस डिफरेंस की वजह से आपको इस डिवाइस के ऊपर 1500 रुपये एक्स्ट्रा देने की जरूरत है नहीं है। इस चीज़ का भी आपको काफ़ी अच्छे से आइडिया हो जाएगा। बट उससे पहले बॉक्स कंटेंट और बाकी स्पेक्स के ऊपर एक नज़र लेते हैं। तो एज यूजुअल बॉक्स में आपको एक पॉली बैग दिया गया है, जहां पर इस डिवाइस की काफी सारी एक्सेसरीज आपको देखने को मिल जाती है, लाइक एक यूजर मैनुअल हो गया, वारंटी कार्ड हो गया, बोट की तरफ से आने वाला एक कैटलॉग हो गया, टाइप सी चार्जिंग केबल हो गया, साथ में ऑक्स केबल भी है, और स्पीकर को कैरी करने के लिए आपको एक स्ट्रैप भी देखने को मिल जाता है, और हाँ, एक छोटा सा बोट वाला जो स्टिकर है वो भी मिलता है लास्ट में। तो गाइस, ये तो बात हो गई बॉक्स एक्सेसरीज की। अब अगर बात करूं मेन डिवाइस की, तो ये है हमारा मेन डिवाइस। भाई साहब, देखने में डिवाइस बहुत ही प्रीमियम लग रहा है, और जिस डिफरेंस की हम बात कर रहे थे वो आप यहाँ पर क्लियरली नोटिस कर सकते हो। स्टोन 1200 के मुकाबले जो मेजर चेंज है वो आपको यहाँ पर डिज़ाइन और ब्रांडिंग के अंदर देखने को मिलता है। बाकी वही 360 एर्गोनोमिक डिज़ाइन है, ऊपर की तरफ सॉफ्ट फैब्रिक का यूज़ किया गया है, साइज लेंथ सब कुछ सेम है। अब जो पहले इन्होंने लॉन्च किया था बोट स्टोन 1200, वहां पर आपको सिंगल कलर देखने को मिलता था, बट ये जो डिवाइस है ड्यूअल टोन कलर कॉम्बिनेशन के साथ में आता है, जो देखने में भाई बहुत ही तगड़ा लग रहा है। डिजाइन के मामले में जो डिवाइस है बहुत ही स्टडी है। मेरे को ये जो येलो ग्रे वाला ऑप्शन है ये थोड़ा ज्यादा पसंद आया था। इसके अलावा दो और कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, तो जो भी आपको सही लगे वो आप ले सकते हैं। बाकी अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, तो कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड है। बॉटम साइड के अंदर जहाँ 1200 में स्टिकी पैड थे, यहाँ पर आपको राउंडेड रबड़ पैड देखने को मिलते हैं, जिससे फ्लैट सरफेस पर अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी। स्पीकर के लेफ्ट और राइट साइड में आप वही बेस रेडिएटर्स देख सकते हैं, जहाँ इस बार आपको बोट के लोगो नहीं बल्कि बोट की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। अब जो बेस रेडिएटर्स हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। बाकी डिवाइस के मिड में एक सॉफ्ट सिलिकॉन बेस्ड रबड़ बेल्ट दिया गया है, जहाँ पर बहुत सारे बटन्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जिनकी हेल्प से आप डिवाइस को कम्प्लीटली कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो बटन से वो पहले से थोड़ा सा चेंज हुए हैं, थोड़े से टैक्टाइल टाइप के कर दिए हैं, और एक डिफरेंट फील आपको देते हैं। अब यहाँ सबसे ऊपर पावर बटन है विद बोट ब्रांडिंग, तो जब आप डिवाइस को स्विच ऑन करोगे तो इस बटन के आसपास आपको एक ब्लू कलर की रिंग लाइट देखने को मिल जाती है, जो कि देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है। और इससे भी मच बेटर आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा इसके बेस रेडिएटर्स के साथ, जो डिफरेंट कलर के RGB इफेक्ट के साथ में आती है, और इस स्पीकर का सबसे मेन USP है। और जब आप गाने सुनोगे तो ये जो लाइट है आपके स्पीकर के साथ में सिंक हो जाती है, तो गाने के अकॉर्डिंग यहाँ पर कलर चेंज होते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो विजुअल एक्सपीरियंस है गाने सुनने का वो थोड़ा और बेटर हो जाता है, और देखने में भी जो डिवाइस है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अब बटन फंक्शन की एक बार बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक TWS पेयरिंग बटन का ऑप्शन दिया गया है, जिससे आप साइमल्टेनियसली दो सेम मॉडल्स के जो स्पीकर हैं उनको एक साथ पेयर करके यूज़ कर सकते हैं और साउंड को और ज़्यादा लाउड कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप सेम मॉडल का यूज़ करें। अगर आपके पास बोट स्टोन 1200 है और एक 1200F है, तो भी आप TWS बटन की हेल्प से दोनों को पेयर करके जो साउंड है उसको काफ़ी ज़्यादा लाउड कर सकते हैं। इसके अलावा डेडिकेटेड वॉइस असिस्टेंट बटन है, और प्लेन पोज का बटन भी आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा एक मल्टी फंक्शन मोड बटन भी दिया गया है, जिससे आप ऑक्स, FM और ब्लूटूथ मोड के ऊपर कभी भी स्विच कर सकते हैं, और जो RGB लाइटिंग है उनको भी आप इसके थ्रू जो है ऑफ कर पाएंगे। और भाई सबसे लास्ट में यहाँ पर आपको वॉल्यूम रॉकर बटन और बैटरी इंडिकेटर्स दिए गए। अब लगे आते यहाँ पर इसके IO कंपार्टमेंट की भी बात कर लेते हैं, तो पीछे ये जो सेक्शन है इसका IO कंपार्टमेंट है, तो यहाँ पर आपको कुछ पोर्ट्स दिए गए हैं, लाइक यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, इसके अलावा रीसेट बटन मिल जाता है, और इसके अलावा ऑक्स का पोर्ट है, और यहाँ पर आपको एक USB पोर्ट का ऑप्शन भी मिलता है, जिससे आप पेन ड्राइव वगैरह को भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, या फिर आप किसी स्मार्टफोन को या फिर अदर मोबाइल एसेसरीज को इसके थ्रू जो है चार्ज कर पाएंगे। अब गाइस, ये जो स्पीकर है काफी हैवी स्पीकर है, और ये एकमात्र ऐसा फीचर है जो काफी पसंद भी आता है, क्योंकि अगर स्पीकर के अंदर वेट नहीं होगा तो फिर आपको उसके साथ
ज़्यादा फील भी नहीं आएगा। और इस डिवाइस के हैवी होने का एक और रीज़न है कि यहाँ पर आपको 3600 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। अब ये जो स्पीकर है अराउंड 1.74 kg के करीब है, तो ऐसे के अंदर आप इसको ज़्यादा टाइम तक हाथ में कैरी नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको हुक्स लगाने, इसके बाद आप इसको कंधे पर डालकर कहीं भी लेके जा सकते हैं। और राइट, तो अब इन सबके बाद में इसके कुछ फंक्शंस को यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको पावर ऑन कर लेते हैं। अब डिफॉल्ट में ये ब्लूटूथ मोड के अंदर चला जाता है, तो बस हमको अपने फोन के अंदर ब्लूटूथ ऑप्शन के अंदर जाना है, स्टोन 1200F को सर्च करना है, उसके बाद इसे कनेक्ट कर लेना है। ये डिवाइस ब्लूटूथ 5.0 वर्जन को सपोर्ट करता है, तो कनेक्टिविटी आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाती है। 10 मीटर तक की रेंज में आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं बिना किसी डिस्कनेक्शन प्रॉब्लम के। इसके अलावा अगर आपको FM सुनना है तो वहां पर आप मोड बटन की हेल्प से जो है FM मोड पर स्विच कर सकते हैं। तो वहां पर आपको प्लेन पॉज बटन को कुछ सेकंड के लिए प्रेस करना है, ऑटोमेटिकली जो चैनल वो स्कैन होना शुरू हो जाएंगे और इस तरह से आपका जो FM है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको ऑक्स मोड का ऑप्शन भी मिलता है, तो अगर आप ऑक्स केबल का यूज करते हैं तो आप ऑक्स मोड पे स्विच कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर पेन ड्राइव का भी यूज कर सकते हैं। अब अगर आपको वॉइस असिस्टेंट को यूज करना है तो आपको बेसिकली इस बटन को प्रेस करना है और कुछ ऐसे यूज कर सकते हैं। एक जोक सुना दो। एक चुटकुला हाजिर है, डरावनी फिल्मों में जब कोई व्यक्ति घर पर कुछ अजीब सुनते हैं तो वह कहते हैं कौन है, जैसे भूत कहेगा अरे मैं रसोई में हूँ, मैं पकौड़े बना रहा हूँ, खाओगे? गाइज, ये जो स्पीकर है वही 14 वोट के साउंड आउटपुट के साथ में आता है और जो बैटरी है वो भी आपको 3600 mAh के करीब देखने को मिलती है, तो बैटरी बैकअप बहुत ही बढ़िया है। बोट क्लेम करता है कि अगर आप स्पीकर को जो है RGB लाइटिंग के साथ में यूज़ करते हैं 70-80% के वॉल्यूम लेवल के ऊपर, तो 7 घंटे का बैटरी बैकअप ही आपको दे देगा। और अगर आप बिना RGB लाइटिंग के इस स्पीकर को यूज़ करना चाहते हैं तो जो मोड बटन है उसको आपको कुछ सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है और ये जो लाइटिंग है ये ऑफ हो जाएगी, तो आप ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो 7-8 आवर्स ये आराम से निकाल लेगा। बाकी जो बैटरी का फीचर होता है वो यूजर टू यूजर कैरी करता है कि आप किस वॉल्यूम लेवल के ऊपर पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करते हैं। तो बैटरी बैकअप नो डाउट काफी अच्छा है, मैंने पर्सनली यूज करके देखा है। बोट 7 घंटे क्लेम करता है लेकिन 5-6 घंटे आपको बैटरी बैकअप इसके साथ में आराम से मिल जाएगा 70-80% वॉल्यूम लेवल के ऊपर। ये डिवाइस IPX7 रेटिंग के साथ में आता है, तो पानी वगैरह से भीगने करने का कोई भी टेंशन नहीं है, तो शावर लेते टाइम, स्विमिंग करते टाइम या फिर बारिश वगैरह में आप इसको आराम से यूज कर सकते हो। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं इसके साउंड आउटपुट की। तो 14 वॉट के स्पीकर जो है आपको इसके साथ में देखने को मिलते हैं। अब साउंड क्वालिटी आपको कैसी देखने को मिलती है, तो उसके लिए हम यहाँ पर चेकआउट करते हैं कुछ नॉन कॉपीराइट म्यूजिक के साथ, क्योंकि अगर कॉपीराइट म्यूजिक को यूज किया तो भाई वीडियो के ऊपर क्लेम आ जाएगा और ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। तो अगर आपको ये बॉलीवुड के सॉन्ग वगैरह सुनने हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो, वहां पर इसके कुछ सैंपल्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। तो चलिए फिर फटाफट से इसका एक जो है साउंड टेस्ट कर लेते हैं। My intentions, I don't want to say it's over. तो साउंड टेस्ट हो गया, अब बात करते हैं कि भाई इसका साउंड क्वालिटी मुझे कैसा लगा। तो गाइस देखो, साउंड तो काफ़ी लाउड है, ट्रबल भी काफ़ी हाई देखने को मिल जाती है, बेस भी काफ़ी अच्छा है, बट टू बी ऑनेस्ट जो 1200 था ना उसके मुकाबले इसके साउंड के अंदर मुझे हल्का सा डिफरेंस देखने को मिला। लाइक दोनों स्पीकर सेम हार्डवेयर के साथ में आते हैं लेकिन जो बोट स्टोन 1200 था वहाँ पर जो साउंड था वो थोड़ा सा शार्प था, थोड़ा सा क्रिस्पी टाइप था, बट यहाँ पर ऐसा कुछ मुझे नोटिस नहीं हुआ। बाकी अगर डिस्टॉर्शन की बात करें तो 70-80% वॉल्यूम लेवल पर अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, वोकल्स भी काफी अच्छे होते हैं, इवन आप बेस को भी नोटिस कर पाओगे। लेकिन उससे ज्यादा वॉल्यूम अगर आप करोगे, मतलब 100% वॉल्यूम के ऊपर अगर आप इनको यूज करते हैं तो आपको जो थोड़ा डिस्टॉर्शन है साउंड में वो जरूर से देखने को मिलेगा। बाकी ये स्पीकर इनबिल्ट माइक को भी सपोर्ट करते हैं, तो कॉलिंग वगैरह के टाइम भी आप इनको आराम से यूज कर सकते हैं। और फाइनल वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं कि आपको ये स्पीकर लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो गाइस देखो, अभी जो बोट स्टोन 1200 है उसका अमेज़न के ऊपर जो प्राइस है वो लगभग 3000 के आसपास है और ऑफर वगैरह के अंदर आप उसको 2700-2800 या फिर 2500 के आसपास भी परचेज कर सकते हैं। और ये जो स्पीकर है इसका करंट प्राइस अभी 4000 रुपीज के आसपास है और फ्लिपकार्ट पर तो पूछो ही मत, लगभग 6-6500 के करीब चला गया। तो 4000 अगर हम इसको माने तो ऑफर वगैरह में ये जो स्पीकर है आपको 3500 या फिर उससे कम के प्राइस बजट पर देखने को मिल जाता है। तो इनके बेस पर अगर मैं पर्सनल मेरा ओपिनियन शेयर करूं तो 1500 रुपए आपको एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ते हैं जस्ट बिकॉज कि यहां पर आपको डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलता है और यहां पर जो ब्रांडिंग है वो थोड़ी डिफरेंट देखने को मिलती है। बाकी एक्चुअल प्रोडक्ट बिल्कुल सेम टू सेम है, दोनों के अंदर सेम हार्डवेयर का इन्होंने यूज किया है। तो इस बेसिस के ऊपर अगर आप 1500 रुपए इस स्पीकर के ऊपर देना चाह रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन एक सच ये भी है कि 3500 से 4000 के
आसपास या फिर 3000 के आसपास के प्राइस सेगमेंट के अंदर। अभी मार्केट में कोई भी ऐसा स्पीकर आपको देखने को नहीं मिलता ब्लूटूथ स्पीकर जहां पर आपको बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी देखने को मिलती है, एक ट्रेंडी डिजाइन देखने को मिलता है, IPX7 रेटिंग देखने को मिलती है, इसके अलावा RGB लाइटिंग का जो सपोर्ट है वो आपको देखने को मिलता है। तो इस मामले के अंदर ये जो स्पीकर है काफी ज्यादा खास है। तो यहां पर मैं सिर्फ इतना सजेस्ट करूंगा, अगर आप बोट स्टोन 1200 लेने का प्लान कर रहे हैं और आपका बजट 3000 के आसपास है तो आप उसी स्पीकर को यूज कर सकते हैं, और ऑलरेडी अगर आप परचेज कर चुके हैं तो इसके अंदर अपग्रेड करने का कोई भी सेंस नहीं है। और अगर आप एक नया स्पीकर लेना चाह रहे हैं, 3000-3500 का बजट है और ऑफर में इससे भी सस्ता मिल रहा है, तो फिर आप इस स्पीकर के साथ में जा सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी दोनों स्पीकर का अगर आपको साइड बाई साइड रिव्यू देखना है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता देना, मैं डेफिनेटली रिव्यू लेकर आ जाऊंगा। फिलहाल के लिए बोट स्टोन एफ को लेकर इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना और ऐसा ही प्यार दिखा दो जैसा प्यार पुराने वीडियो के साथ में दिखाया था। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।